के चैनल से जुड़े रहने और नए आने वाले वीडियोस के अलर्ट हासिल करने के लिए नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को एक एक बार जरूर दबा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज की हमारी वर्कशॉप का टॉपिक है राइटिंग स्किल। हम वर्कशॉप का एक सिलसिला लेके चल रहे हैं, जो भी आज का जो टॉपिक है बेसिकली एक हिस्सा है स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। इस सिलसिले में हम लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, इन टॉपिक्स के ऊपर पिछले वर्कशॉप के अंदर बात कर चुके हुए हैं। आज आखिरी स्किल राइटिंग के हवाले से हम बात करेंगे। टीचर्स, हम जैसे कि पिछली वर्कशॉप में बात कर चुके हुए हैं, रीडिंग और राइटिंग आपस में इंटरकनेक्ट स्किल्स हैं। रीडिंग राइटिंग के लिए इनपुट है और राइटिंग उसका आउटपुट है। रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है और राइटिंग उसका ही रिफ्लेक्टिव स्किल है। जितनी रीडिंग हम रिसीव करेंगे, जितनी रीडिंग हम एब्जॉर्ब करेंगे या हमारे बच्चे एब्जॉर्ब करेंगे, उतनी ही रिफ्लेक्शन हमें राइटिंग में नजर आएगी। जितनी इनपुट हम रीडिंग के जरिए करवाएंगे, उतनी ही आउटपुट हमें राइटिंग के अंदर नजर आएगी। अगर इनपुट नहीं होगी, कम होगी, आउटपुट भी नहीं होगी, कम होगी। जितनी हम इनपुट ज्यादा करेंगे, उतनी ही इनपुट हमें ज्यादा मिलेगी। हम पिछली क्लास में ये भी बात कर चुके हुए हैं कि हम अपने जहन के अंदर अल्फाज को एक तस्वीर की तरह महफूज करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी जो हम उनको पढ़ाते हैं, उन अल्फाज को अपने जहन में एक तस्वीर की तरह महफूज करते हैं। ये भी हमने बात की थी कि अगर किसी लफ्ज को 15 से 20 बार बच्चे की नजरों की से सामने से गुजार दिया जाएगा, तो उसके नतीजे में एक पुख्ता और पक्की तस्वीर उसके जहन के अंदर उस लफ्ज की बन जाएगी। अगर हम इस बात को यकीनी नहीं बनाएंगे कि जो हमारे टारगेट अल्फाज हैं, उनको 15 से 20 बार उसकी नजरों के सामने से ना गुजारा जाए, तो उसके जहन में कोई पुख्ता तस्वीर नहीं बनेगी। तो इस चीज का काफी इम्कान होगा कि वो तस्वीर कुछ टाइम के बाद उसके जहन से आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ती जाए, और अगर ज्यादा टाइम गुजरेगा तो एक टाइम आएगा कि वो महव भी हो सकती है। तो वो अगर धुंधली तस्वीर होगी तो बच्चा जब लिखेगा तो उसके अंदर वो इस चीज का काफी ज्यादा इम्कान है कि वो गलतियां करेगा। तो लिहाजा रीडिंग राइटिंग के लिए सबसे अहम फैक्टर है। अगर हमने राइटिंग को बेहतर करवाना है तो हमें रीडिंग को बेहतर करना होगा, और रीडिंग करवाते हुए जो टारगेट अल्फाज हों उनको 15 से 20 बार उसकी बच्चे की नजरों के सामने से गुजारना होगा। अगर हम 15 इस बात को यकीनी बना लेते हैं कि जो टारगेट अल्फाज हैं वो बच्चे की नजरों से 15 से 20 बार उसकी नजरों के सामने से गुजर जाए, इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है उसकी उस लफ्ज की पक्की तस्वीर उसके जहन में बनेगी। इस हवाले से जो कुछ रानमा उसूल हैं कि कौन सी चीजें बच्चे को याद रहती हैं, कौन सी चीजें याद नहीं रहती हैं, किस तरह से याद रहती हैं, उसके हवाले से ये कुछ रानमा उसूल लिखे हुए हैं कि वर्ड्स लिसेंड, अल्फाज सुने हुए हों, वर्ड स्पोकन, अल्फाज बोले हुए हों, वर्ड सीन, अल्फाज देखे हुए हों। अगर इन तीनों मराहिल से अल्फाज गुजरे हों तो बच्चे के लिए उन अल्फाज को लिखना काफी आसान होता है, वेरी इजी टू राइट। तो उनके लिए बहुत काफी आसान होगा बच्चे के लिए कि वो उन अल्फाज को लिखते हुए मुश्किल का सामना नहीं करेगा। लेकिन अगर सूत्रार्थ से उलट हो,
कि बच्चे ने वर्ड्स नॉट लिसेंड, वर्ड नॉट स्पोकन, वर्ड्स नॉट सीन, वेरी डिफिकल्ट टू राइट। ये बच्चे के लिए काफी मुश्किल होगा कि वो उन अल्फाज को लिख सके। तो अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे सही लिखें और ज्यादा लिखें, तो हमें इनपुट ज्यादा करनी पड़ेगी। इनपुट ज्यादा होगी मींस रीडिंग ज्यादा, रीडिंग के लिए ज्यादा इनपुट करनी पड़ेगी। अगर हम ज्यादा इनपुट करेंगे तो हमारे बच्चे बेहतर तौर पर। हमने उसूल बयान किया कि अगर अल्फाज इन मराहिल से गुजरे हुए होंगे तो आसान होंगे, और इन मराहिल से अगर नहीं गुजरे हुए होंगे तो लिखना उनका काफी मुश्किल होगा। कितना मुश्किल होगा इस चीज को हम एक एक्टिविटी के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि इमला की एक्टिविटी हो। तो आप जरा थोड़ी सी हमारे साथ, मेरे साथ है इसके ऊपर, और कुछ अल्फाज का मैं आपको इमला करवाता हूँ। आपने इन अल्फाज को लिखना है, कुछ अल्फाज उर्दू के, कुछ अल्फाज इंग्लिश के। इन अल्फाज को लिखने के बाद हम उनका आपको सामने भी रखेंगे आपके, फिर आप देखिएगा आपने कितने अल्फाज सही लिखे, कितने अल्फाज गलत लिखे। तो आपको इस उसूल का ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये अल्फाज अगर देखे ना हो, सुने ना हो, बोले ना हो, कितने ज्यादा मुश्किल होंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला लफ्ज आप लिखेंगे टिक्का फजीहती, चीड़ कनाती, रासुल बजावत, रासुल अदबा, यूक्रियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, साइबोकिनेसिस, पीकाडीला। आपके पास आप चार इंग्लिश के थे, और अगर जो इसको देख रहे हो वो भी जरा इसको पॉज कर लें और इन अल्फाज को लिखें, और फिर जब ये सामने आए आपके अल्फाज तो आप नादा करें कि कितने अल्फाज आपने सही लिखे। इनमें से बेहतर अल्फाज ना तो आपने देखे होंगे, ना सुने होंगे, ना बोले होंगे। अब अगर आपको इन अल्फाज को लिखने में मुश्किल आ रही है, आपको महसूस हो रहा है कि ये हमारे लिए नए हैं और लिखने में हमें मुश्किल फील हो रही है, और मैं यकीन रखता हूं कि 90% इसमें से गलत लिखा जाएगा। हमने भी वर्कशॉप में से गुजरे थे, हमने भी जब ये एक्टिविटी की तो 90% पहली बार गलत लिखा। उसकी वजह ये नहीं थी कि हमें लिखना नहीं आता था, उसकी वजह यही उसूल था। ये अल्फाज ना हमने सुने बोले थे, ना हमने सुने थे, ना बोले थे, और ना ही हमने देखे हुए थे। तो जो जब अल्फाज ना देखी हूं, ना सुने हूं, ना बोले हूं, उनका लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर ये अल्फाज लिखना हमारे लिए मुश्किल है तो हमारे बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जिनको हम पढ़ाते हैं। तो एक बात जहन में रख लें, जो अल्फाज इन मराहिल से ना गुजरे और सुने ना हो, बोले ना हो, देखे ना हो, जितने अल्फाज ये मुश्किल मुश्किल हमें लग रहे हैं लिखने, एक बच्चे के लिए अलिफ या बे भी लिखना उतना ही मुश्किल है जितने के ये अल्फाज। अगर उस बच्चे ने अलिफ बे देखी ना हो, सुनी ना हो, बोली ना हो, तो उसके लिए भी यही सूरत हाल होगी। लिहाजा हमें बच्चों को, अगर हम इस चीज की तवक्का रखते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर लिखें, तो हमें इस चीज को यकीनी बनाना होगा कि बच्चे वो उन अल्फाज को बोल चुके हों, उन अल्फाज को सुन चुके हों, उन अल्फाज को देख चुके हों। यहाँ पर मैं तमाम टीचर्स के लिए एक और बात भी कहना चाहूंगा कि इमला हम टीचर्स के पास एक बहुत ही मुश्किल टूल है या खतरनाक टूल है हम टीचर्स के पास। एक बात को तमाम टीचर्स इस बात को ध्यान में रखें कि इमला भी कमोबेश यही सूरत हाल होती है। अगर हम इमला करवाने से पहले
अपने बच्चों को ये यकीनी ना बनाएं कि वो अल्फाज इन मराहिल से गुजर ना जाएं, और वो अल्फाज जिनका हम इकरा करवाना चाहते हैं वो 15 से 20 बार बच्चे की नजरों से ना गुजर चुके हों और उनकी पक्की तस्वीर उनके जहन में ना बन चुकी हो, तब तक हमें इकरा उन अल्फाज का इकरा नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे ने अल्फाज देखे नहीं है, सुने नहीं है, बोले नहीं है, तो काफी इम्कान है कि वो बच्चा उन अल्फाज को गलत लिखेगा। अगर वो गलत लिखेगा तो वही गलत तस्वीर बच्चे के जहन में महफूज होगी। किसी नई तस्वीर को बनाना ज्यादा आसान है, लेकिन एक पहले से बनी हुई तस्वीर को इरेज करके, रिमूव करके उसके ऊपर सही पिक्चर बनाना उसी चीज की, ये ज्यादा मुश्किल काम है। तो लिहाजा इमला जो है वो एक खतरनाक टूल है हमारे पास, हमें इसको ध्यान से इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसको आप एक रिसर्च के तौर पर भी कर सकते हैं, आप अपनी क्लास में एक रिसर्च खुद करें कि आप जैसे इमला अभी करवाते हैं या करवाती हैं वैसे ही करवाएं, और उस बच्चों के नाम के साथ उसको महफूज करके रखें। उसके बाद हमने जो कुछ रकमा उसूल यहाँ पर बयान किए कि वो अल्फाज बोले हों, सुने हों, बोले हों, देखे हों, और इसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाएं कि वो 15 से 20 बार उनकी नजरों से गुजर जाए। अगर वो अल्फाज 15 से 20 बार बच्चे के नजरों से के सामने से गुजरते हैं तो एक पक्की तस्वीर उनके जहनों में बन जाएगी। फिर आप दोबारा इमला करवा के देखिए, अब आप गलतियों के तनासुब का खुद जायजा लीजिए, एक रिसर्च आपके सामने आ जाएगी कि ये तरीके को अडॉप्ट करने से क्या आपको फर्क महसूस हुआ, कितनी गलतियां कम की बच्चे ने या ज्यादा की, वो आपके सामने ये रिसर्च की शक्ल के अंदर आपके सामने आ जाएगा कि ये कितने परसेंट ज्यादा मुफीद साबित हुआ। मुजीद क्या करने की बात यह है कि हमारे बच्चे जो है उनको उनकी मेमोरी जो कुछ वो पढ़ते हैं उनकी मेमोरी का पक्का हिस्सा बनाने के लिए कुछ रहनुमा उसूल मजीद हमने यहाँ पर तय किए हैं कि हमारे बच्चों को वो याद रहता है 20% वो याद रहता है जो वो सिर्फ सुनते हैं, हमारे बच्चों को याद रहता है 20% जो वो देखते हैं, और उनको वो 40% याद रह जाता है जो वो सुन भी लें और देख भी लें, और 40% उनको वो चीजें याद रहती हैं जो वो अपने हाथ से करते हैं, मीन्स लिख लें, बना लें, कुछ कर लें, तो ऐसे जो चीजें हैं वो उनको 40% याद रह जाती हैं, और हमारे बच्चे याद रखते हैं 80% वो चीजें जो वो सुन भी लें, देख भी लें, और वो अपने हाथ से कर भी लें। तो हमें चाहिए कि उनको ये वाक्य फराहम करें, सुनना, देखना और करना से मुराद ये है कि वो उस जो कुछ हम उनको सिखाना चाहते हैं हम उनके सामने रीड करें, उनको खुद पढ़ के सुनाएं, उसके बाद उनको खुद उनको पढ़ने का मौका दें, और उसके बाद उनको लिखने का मौका भी दें, और इन मराहिल से गुजारने के बाद फिर हमें चाहिए कि हम उनसे उम्मीद रखें कि वो बेहतर हमें लिख के दिखाएंगे या बेहतर बुला करके दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। उनके चैनल से जुड़े रहने और नए आने वाले वीडियोस के अलर्ट हासिल करने के लिए नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को एक एक बार जरूर दबा दें।